गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं एकदम मस्त हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। और ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है 7 बजे से। तो अभी थोड़ी देर पहले मतलब धूप आई है यहाँ पे। आपको पता है कि धूप बहुत जल्दी आ जाती है, 6:30 बजे के करीबन यहाँ पे धूप आ जाती है अच्छे से। और 7 बजे तक पूरा ऐसा लगता है दिन दोपहर हो गया, ऐसा वाला धूप आ जाता है मतलब अच्छी सी। तो अभी जैसे हमने चावल वगैरह बनाए हैं और मौसम बहुत ही प्यारा हो रखा है आज का। आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही मस्त मौसम हो रखा है, जो कि सर्दियों में हमें बहुत ज़्यादा नीड होती है ऐसे मौसम की कि धूप लगे। और यहाँ पे धूप बहुत जल्दी चली जाती है, 12 बजे यहाँ पे धूप चली जाती है। जस्ट 6 बजे आ जाती है तो 12 बजे चली जाती है। और यहाँ पे भी थोड़ी देर पहले आग जलाई हुई थी और यहाँ पे रखे हुए थे हमने चावल, जो कि चावल अंदर रख दिए, दाल भी अंदर रख दिए, चूल्हे में बनाया था बाहर और अब अंदर रख दिया क्योंकि अब खाने का टाइम हो गया। साथ में काटी हुई यहाँ पे हरी सब्जी राई की, जो कि यहाँ की उत्तराखंड की फेमस सब्जी बोल सकते हैं इसको। तो राई की सब्जी जो कि सर्दियों में डेली हम मतलब खाने के टाइम पे जब चावल खाते हैं तो उसमें बनाते हैं, उसके साथ चावल के साथ बनाते हैं हरी सब्जी। और जैसे कि आपको पता है कि सर्दियों का टाइम स्टार्ट हो गया और जो लोग उत्तराखंड से होंगे उनको अच्छे से पता होगा कि सर्दियों के टाइम पे यहाँ पे मॉर्निंग में चावल खाते हैं और दिन में रोटी खाते हैं। तो हमारे चावल बन चुके हैं और वो सारा काम हो चुका है, बस अभी व्लॉग स्टार्ट करना रहता था, वो भी स्टार्ट कर चुका है। यहाँ पे मैंने निशानी के कपड़े भी धो दिए, बस निकालने के लिए रहते थे, धो तो सवेरे दिए थे, बस पानी में निकालने के लिए रहते थे, पानी चला गया था तो अभी निकाल दिए। और देवर जी भी नहा धो के एक्साइट हो गए, वो अपने कपड़े निकाल रहे हैं क्योंकि उनके कपड़े बहुत ज़्यादा मैले होते हैं, इसलिए मैं धोती नहीं, क्या वो धोने ही नहीं देते मुझे। धोती मम्मी भी अपने कपड़े जैसे 1-2 दिन के पहने हुए हैं या पापा के किसी के भी कपड़े ना, तो हाथ से मैं तभी धोती हूँ कपड़े, वरना मैं नहीं धोती, वरना मैं मशीन में डाल देती हूँ। तो अभी देवर जी अपने कपड़े निकाल रहे हैं। अरे यहाँ पे मैंने कल का चार भी यहाँ पे सुखाने के लिए रखा हुआ गाइस। तो अभी मैं ऊपर आ गई हूँ क्योंकि अब लास्ट फाइनल मैं एक दिन और अच्छे से झाड़ू पोछा कर देती हूँ दोनों कमरों में, क्योंकि फिर बहुत काम रहता है ना, ऐसे काम बढ़ जाता नहीं तो। तो अभी ये सूखता है जब तक, तब तक बिस्तर भी हमने सब ने बाहर रख दिए हैं, बस अब सफाई वफाई रहती है। पहले मम्मी और कमरा साफ कर लेती हूँ, झाड़ू वाड़ू लगा देती हूँ क्योंकि फिर ये कमरा ऐसे ही रह जाता है, फिर सड़े उठ जाता ना तब तक। नहीं तो इतना टाइट क्यों है ये, देखो खुल ही नहीं रहा भाई। मैं अपने छत में आ चुकी हूँ और हमारे छत से बहुत ही प्यारा नज़ारा दिखता है सामने का। आप देख सकते हो हिमालय पर्वत दिखता है यहाँ से, जो कि बहुत ही प्यारा लगता है। मैं सबसे ज़्यादा इसी को मिस करने वाली हूँ, जो ये वाले सीनरी दिखती है ना, इसको बहुत ज़्यादा मिस करने वाली हूँ मैं। तो अभी सबसे पहले मैं मेरा काम है कि मम्मी और का कमरा साफ कर देती हूँ, उसके बाद देन अपना करूँगी, क्योंकि हमेशा ये कमरा छूट जाता नहीं तो, और मेरे को थक लग जाती है तो छोटा उठ जाता है, ऐसे कुछ हो जाता है। तो सबसे पहले मैं ये वाला कमरा साफ करूँगी। तो इस कमरे में ज़्यादा गदर वदर नहीं मच रखा है इस बार, क्योंकि देवर जी यहाँ सिर्फ पढ़ाई करने आते हैं, बाकी इस कमरे का कोई काम नहीं होता है, हम सारे नीचे रहते हैं। ये वाला कमरा तो शोर शटाक से साफ हो चुके अच्छे से। सिर्फ यहाँ पे कुछ कपड़े वपड़े निकाल कर रखे पापा के, जो कि पापा हिरसो डाल के जाएंगे। आज पापा चौबट्टा जा रहे हैं कटिंग वटिंग करवाने अपनी मस्त, तो वहाँ से हीरो बन के आएंगे क्योंकि समुद्र जा रहे हैं यार, थोड़ा सा इम्प्रेशन तो पड़ना चाहिए है ना। तो ये वाला कमरा साफ हो चुका है, तब तक मुझे नीचे से आवाज आ चुकी है कि खाना खाने आ जाओ, तो पहले खाना खाते हैं फिर उसके बाद देखेंगे बाकी का काम, क्योंकि पहले क्या बोलते हैं, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा है ना। खाना खा लिया है, पुटी फुल हो गई है और मम्मी नीचे का संभाल रही काम वाम उधर का, उसके बाद मम्मी जाएगी घास के लिए। अभी जल्दी इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि आजकल ना ओस गिरी रहती है घास में, तो वो फिर भारी होती है घास, इसलिए जब ओस सूख जाती है थोड़ी सी धूप के बाद उसके बाद काटते हैं यहाँ पे घास। तो अभी देखो पापा भी मस्त तैयार हो गए हैं, पापा जा रहे हैं कटिंग वटिंग करवाने। आप पापा आप तेल लगा के क्यों जा रहे हो, बाल कटवाने आपने? तेल लगा के थोड़ा करते हैं बाल, नारी वो तो नारी का काम है काटना, मैं काम थोड़ी हूँ कैसे काटे। एक ये बीच से मत कटवाना, एक साइड को कटवाना ठीक है, अच्छे लगते हो कटवाना, अच्छे लगते हैं, अच्छे लगते हैं। अमिताभ बच्चन वाला फैशन कब तक करोगे आप? लागनी का उजर से चुप है पापा, ये अमिताभ बच्चन वाला फैशन कब तक करोगे? जब तक जिंदगी रहेगी ठीक है पर एक बार करवा के आना ना, क्या पता अच्छे लगे। पापा कभी नहीं करवाते साइड वाले बाल, पापा यही वाले रखते हैं बीच वाले अमिताभ बच्चन वाले। तो चलो
मैं बर्तन वर्तन धो देती हूँ, थोड़े से बर्तन वर्तन है। उसके बाद मैंने आपको एक चीज़ दिखानी है, राहुल ने मेरे लिए गिफ्ट भेजा, वैसे मैं कल दिखा देती लेकिन फिर कल पता नहीं भूल गई, मैं ध्यान कल आ गया था, वैसे कल शाम को मुझे रिसीव हो गया था लेकिन मैं सोच रही थी आपको बताऊंगी, उस चक्कर में भूल गई, मैंने ऊपर रख दिया था और भूल गई इस चक्कर में कि हाँ कि आपको वो दिखाना है मुझे, तो दिखाऊंगी। राहुल ने मेरे लिए कुछ गिफ्ट भेजा है, दिवाली का गिफ्ट बोल रहा है, तो देखते हैं क्या है उसमें। दिवाली का गिफ्ट वो पता कब का भेजा हुआ था, जब मुझसे भेजा हुआ है वो भेजा हुआ था कम से कम जब करवा चौथ था ना उस टाइम पर भेजा हुआ था, तो कहता ओहो करवा चौथ पे तो मैं ये मिला नहीं, करवा चौथ पे तो मैं वो अंगूठी दे दी मैंने, तो अब एक काम करें इसको तुम दिवाली का गिफ्ट समझ लेना, तो आप लोगों को जो अच्छा लगे आप वो समझ सकते हो, तो मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर बाद, ठीक है। चलो तब तक मैं बर्तन वर्तन धो देती हूँ पहले। मस्त लिपाई पुताई हो चुकी है, देख सकते हो आप लोग अच्छे से लिप पुत गया है, क्योंकि फिर उसके यहाँ पे मिट्टी का है ना ऐसे, तो इसमें फिर टाइम लग जाता काफ़ी, और फिर हम परसों निकल जाएंगे, मैं मम्मी पापा तीनों जा रहे हैं आपको पता ही है, तो फिर पता नहीं कब लिपने का टाइम आता है, इसलिए अच्छे से लिपाई पुताई भी कर दी है। मैं नहा के एक साइड हो गई हूँ, और आज मैंने थोड़ा सा साड़ी डाली है क्योंकि मैंने सोचा थोड़ा सा कहीं बार ट्रेडिशनल लुक भी निकाल के देखते हैं जो हमारे पहाड़ का है, तो हमारे पहाड़ों में ना ऐसी साड़ी बांधी जाती है, देखो नॉर्मल साड़ी जैसे, उसको फिर कमर पर ऐसे वेयर किया जाता है, मतलब कमर पे बांधा जाता है ताकि दिन भर काम भी हो जाए और अपनी साड़ी भी संभल जाए, तो आज मैंने साड़ी डाली है, मैंने कहा चलो आज मैं देखती हूँ एक दो दिन डाल के कि कैसे लगते हैं। मैंने गर्म कर दिया, अब थोड़े से कपड़े हैं धोने के लिए जो कि मैं नहा के ऊपर लेके आई थी, और थोड़े बहुत और कपड़े थे, मैंने सोचा सारे धो के एक साइड कर देती हूँ, फिर उसके बाद ही हो जाएगा कि कपड़े वपड़े सारे एक साइड हो जाएंगे, है ना, तो ये कपड़े धो देती हूँ पहले मैं। धूप आ रखी है, मैंने यहाँ पे मोटे मोटे कपड़े यहाँ पे सुखाने के लिए रख दिए हैं, और बाकी मैं चलती हूँ नीचे, अब थोड़े से अपने बाल बाल सेट कर लेती हूँ, उसके बाद अपनी शवाने को उठाती हूँ, सोई रखा है सवेरे से, बस दूध पिलाया था उसको, उसके बाद सोई रखा है, तो अब क्या बोलते हैं मैं फटाफट तैयार हो जाती हूँ और फिर मैं उसके बाद उसको भी उठाती हूँ। गाइस मेरा शवानी भी उठ गया है, और कितना क्यूटी क्यूटी लग रहे हैं, क्यूटी क्यूटी कितना सीरियस हो रखा भाई, गुड मॉर्निंग कर दे, अब गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग, मैं उठ गया, मैं उठ गया, बबले खुद खुद ही देख कैसे कर रहा है, कौन है कौन है, शाना शाना काका मेरा बच्चा, गुड मॉर्निंग बोल दे। चलो अब गाइस पहले मैं कुछ खा लेता हूँ, कुछ पी लेता हूँ, और उसके बाद मैं धूप सेकने जाऊँगा मम्मी के साथ। गाइस ये उठ चुका है अब, और अब असली काम अब शुरू होता है मेरा, इसकी मालिश वालिश करती हूँ और इसको धूप में लेके जाती हूँ थोड़ा आगे ना आगे, धूप तो खैर यहीं पे है लेकिन मैं ऐसे बैठ चुकी हूँ इसको, तब इसको दूध वगैरह पिलाती हूँ, फिर उसके बाद धूप सेकाती हूँ। गाइस हमारा शाना शाना काका नहा धो के तैयार हो गया है ना, कितना प्यारा लग रहा है ना ये बगले। तो गाइस ध्रुवी का काम भी हो गया यहीं पे खत्म, तो अब हम यहाँ पे धूप सेकते हैं, यहाँ पे रह गई है धूप, तो यहाँ पे बिछाते हैं इसको कारपेट वगैरह जो है, और साथ में चद्दर वगैरह बिछाते हैं ऊपर से और कंबल, तब हम जाएंगे धूप सेकने, है ना, इसको पता नहीं अपने आप पे ध्यान है ना, अच्छा नहीं है, सॉरी 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 सॉरी, बाल के रख दिए हैं, जस्ट अभी उबाले हैं और बिल्कुल गीले गीले ही हल्के हल्के, और यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च वगैरह और क्या बोलते हैं पत्ता गोभी रखी हुई है, वेजिटेबल बहुत सारे डल जाते हैं लेकिन हमारे घर में भी यही अवेलेबल है, तो चलो बनाते हैं अब दिन का खाना, बस ऐसे ही कट रही है जिंदगी, फटाफट फटाफट पता नहीं कैसे हो जाता, टाइम का पता नहीं चलता, तो पहले सबसे पहले मैं इधर बिछाती हूँ ये सूखने का वेट कर रही थी, अब जाके सूख गया, तो चटाई वटाई बिछाती हूँ, फिर उसके बाद खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। मेरी गाय आ गई, पहले उसको बांध के आती हूँ, अब खाना तो बन जाएगा आराम से, क्योंकि अभी खाने वाले भी नहीं आए ना, पापा जी तो वहीं जा रखे हैं चौबेटा, और मम्मी घास के लिए जा रखी है। ये आदत ठीक है हमारी गाय की, किसी दिन अपनी जगह पर आती है, बेचारी पानी पी रही है, इसको पानी मिला होगा इसमें, हाँ है, पी ले पी ले पी ले, बस हो गया इतना ही, चल तो तुझे बांध देती हूँ। दूसरी मिनट नूडल फटाफट फटाफट क्यों नहीं बन रहे, इतना टाइम क्यों लग रहा है, मेरा ना सिलेंडर ही खत्म हो गया, मतलब तब उसको उल्टा करते हो थोड़ी देर, वो बोलते हैं ना हमारे भारतीय जुगाड़, तो उसको उल्टा करते हो, तब देखते हैं कि क्या पता बन जाए, मेरी आवाज ही में फिर से हो गई, देखो ना Oh, oh, oh.
आज का दिन भी ऐसे ही बीत गया और मैं आपको पार्सल दिखाना भूल गई थी, अभी मुझे याद आया, बट मैं दिखाती हूँ आपको। हाँ, जैसे कि आपको पता है कि मुझे शाम को मिल गया था कल शाम को पार्सल, मतलब कल दिन नहीं आ गया था वैसे, पर मेरे पास शाम को पहुँचा था ना, तो ये था पार्सल। इसमें एड्रेस वगैरह लिखा हुआ, ये नहीं दिखा सकती, ये था पार्सल। अब आप सोचोगे खाली लग रहा है ना, क्योंकि ये खाली है गाइस, इसके अंदर का सामान मैंने रख दिया है। सॉरी, मेरे से कंट्रोल नहीं हुआ, मैं आपको दिखाना भूल गई थी, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आज वाले ब्लॉग में आपको दिखाना चाहती थी। तो ये साड़ी दीदी थी, प्रदीप देवी, अब ऐसे दिखने में अजीब सी लग रही है ना, तो इसका ये ब्लाउज है, ये दिखने में फ़ोन में ब्लैक दिख रहा पर ये ग्रीन है, डार्क ग्रीन कलर होता है ना जो, ये इसका ब्लाउज है। ठीक है, जब ब्लाउज बनाऊंगी तब ब्लाउज का तो तब पता चलता है यार। खैर, ये साड़ी थी इसके अंदर, बिल्कुल मतलब मैं जैसे साड़ी मैं डालती हूँ ना, हल्की फुल्की साड़ी वैसी साड़ी थी। और इसमें सबसे अच्छी बात दिखाती हूँ आपको, आप लोग हैं उल्टा कर रखा मैंने, सॉरी गाइस, सॉरी। आप लोग सोचोगे साड़ी स्पेशल क्या है, इस साड़ी में जितना भी वर्क है, ये नीचे जितना भी वर्क है और ये है, ये सारा हैंड वर्क है, कितना शोर हो रहा है ना। तरीके की साड़ी है और ये बिल्कुल मतलब प्लेन है, यहाँ देख सकते हो बिल्कुल प्लेन है, हल्की जैसी साड़ी मुझे पसंद है। और इसमें सबसे स्पेशल बात ये है कि जो पूरी बॉर्डर है इसकी, पूरी बॉर्डर ऐसी है, हल्की बॉर्डर है बिल्कुल बारीक, और ये हैंडवर्क है सारा का सारा इस पे, और बहुत ही प्यारी लग रही, दूर से देख सकते हो आप लोग। तो मेरे पे बहुत ही प्यारा लगने वाला है क्योंकि ये पति देव ने भेजा इसलिए, और मुझे बहुत पसंद आई साड़ी बहुत ही ज्यादा, क्योंकि इतनी दूर से भेजी उन्होंने, जम्मू से आई भाई साड़ी जम्मू से, तो मिल बहुत स्पेशल है और बहुत अच्छा लगा मुझे ये साड़ी देख के। थैंक यू सो मच पतिदेव आपका, तो देख सकते हो आप इतनी दूर से भेजा उन्होंने मेरे लिए यार, और मुझे सच में बहुत प्यारी लगी साड़ी। जब मैं डालूंगी ना, अभी ऐसे पता नहीं चल रहा, लेकिन जब डाल के दिखाऊंगी तब देखना आपको इसका वर्क बहुत अच्छा लगेगा। नीचे से डुगो और चला रहे हैं भाभी, ये मुझे चीज चाहिए तुम्हें, क्या चीज चाहिए कौन देगा चीजी? ये है ना मामा। अच्छा पहले बता चीजी कौन देगा, भाभी कौन सी भाभी? मेरी भाभी। तेरी भाभी? ठीक है।